स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के डायरेक्टर रिसर्च प्रकाश सिंह शेखावत ने बताया कि 80 बीघा जमीन पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जमीन पर केमिकल युक्त पानी के चलते अब तक विश्वविद्यालय परिसर में कई सरकारी रेजिडेंशियल क्वार्टर भी खाली होते जा रहे हैं। तो वहीं अब छात्र छात्राओं के लिए बनाए गए 2 हॉस्टल भी खाली हो गए हैं। छात्र छात्राएं भी बेहद परेशान हैं। बीकानेर के कृषि विश्वविद्यालय के रिसर्च डायरेक्टर प्रकाश सिंह शेखावत और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बीकानेर आरओसी की खास बातचीत हमारे बीकानेर संवाददाता ने। मरुनगरी बीकानेर के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय की बड़ी समस्या, यहाँ पर हजारों बीघा जमीन पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसका कारण है बीजवाल उद्योग से निकलने वाला, इंडस्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी। इस केमिकल युक्त पानी को लेकर निस्तारण के लेकर एक मीटिंग भी आयोजित हुई। बात करते हैं, हमारे साथ हैं प्रकाश सिंह जी, बात करते हैं, वो बताएंगे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के यहाँ के इंचार्ज हैं, बात करें, बताएं। कल हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें पॉल्यूशन बोर्ड के मेंबर भी थे और इंडस्ट्री से भी थे और यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी भी थे। इसमें यही हुआ कि इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकालने के लिए हमारा प्रयास है, और हमारे प्रयास के साथ साथ ये है कि इंडस्ट्री वाले भी चाह रहे हैं, परंतु उसमें यह है कि जो हमने 2020 में जो MOU किया था, अकॉर्डिंग टू MOU उनको जो पानी वो जो शुद्ध करके देंगे उस पानी की क्वालिटी एज पर MOU होनी चाहिए। दूसरा, उस पानी की जो पहुंच है वो हमारे सीड प्रोडक्शन फार्म तक के लिए हमने एक MOU कर रखा है। एज पर MOU यदि वो कार्य करते हैं तो अच्छी बात है, जिससे बहुत सारे जो हमारी जमीन खराब हो रही है, जो हमारी बिल्डिंग खराब हो रही है, जो हमारे हॉस्टल खराब, कितनी जमीनें खराब हो गई है, हमारी करीब 20-25 हेक्टर जमीन है जो बिल्कुल खराब हो रही है। दूसरा ये है कि इस बदबू से बहुत सारे समस्याएं पैदा हो रही हैं, हमारे क्वार्टर्स खाली हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये कहने का मतलब है ये मेनांस जो हमारे प्रॉब्लम जो आ रही है, इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन जब तक नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। युक्त हैं उससे जमीन की उर्वरा शक्ति तो है ही नहीं, इसके साथ जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे मर गए हैं और पानी भरा पड़ा है। हालांकि ये माने कि मीटिंग कोई संतुष्टिदायक नहीं हुई, उसमें कोई ऐसा बड़ा परिणाम निकल के सामने आने वाली बात नहीं है। हाँ नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा परिणाम की तो नहीं कह सकते, परंतु ये है कि वो मीटिंग काफ़ी दो या तीन हमारी 2 मीटिंग हो चुकी हैं, उसमें ये है कि हमारा इम्फेसिस यही है कि आप जल्दी से जल्दी इसको ठीक। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो पानी आना रुके, पानी आना रुकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें उद्योगों में एक्शन लेना पड़ेगा।